नमस्कार, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हैं विंद भारत। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के अयाना पुलिस ने 24 सालों से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी डाकू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार डाकू लालाराम गिरोह का मुख्य सदस्य था, जो कि भेष बदल कर साधु बनकर जिंदगी जी रहा था। औरैया पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर औरैया व अयाना पुलिस ने लालाराम गिरोह के मुख्य सदस्य 24 वर्षों से फरार 50,000 रुपए के घोषित इनामिया छेदा सिंह उर्फ छिद्दा निवासी भासौन को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। इस डाकू पर साल 2015 में 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार डाकू के पास से ब्रजमोहन दास पुत्र राम बालक दास के नाम से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तथा राशन कार्ड भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार छेदा सिंह उर्फ सिद्धा ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह लालाराम गैंग का सक्रिय सदस्य था। इस गैंग के साथ मिलकर उसने फिरौती के लिए दर्जनों अपहरण और लूट की घटनाएं की थी। उसने वर्ष 1998 में गैंग के साथ मिलकर थाना अयाना क्षेत्र के जसवंतपुर गांव के 4 लोगों का अपहरण किया था, जिसमें कुछ लोगों को फिरौती देकर छोड़ा गया था। इसके अलावा एक अपहर्ता को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान छुड़वाया था। छिद्दा इसी मुकदमे में फरार चल रहा था। उसने बताया कि धीरे धीरे जब गैंग समाप्त होने लगा तो पिछले 15 से 20 सालों से वह अपना नाम पता बदल कर चित्रकूट में बाबा बनकर रह रहा था। पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार डाकू का आपराधिक इतिहास बताते हुए कहा कि उस पर औरैया, जालौन, भिंड व कानपुर देहात जनपदों में वर्ष 1997 से 2000 के बीच 24 मुकदमा दर्ज है। फरार इनामी डाकू को पकड़ने वाली टीम को उचित धनराशि प्रदान कर पुरस्कृत किया जाएगा। चंबल में एक समय लालाराम और श्रीराम के नाम का एक खूंखार डाकू गैंग हुआ करता था। पहले पुलिस ने अपने अभियान के तहत श्रीराम को ठिकाने लगाया, उसके बाद साल 2000 में लालाराम को एक मुठभेड़ में तब धराशायी कर दिया, जब वह एक महिला डाकू सीमा परिहार के साथ अपनी जिंदगी वेश बदल कर जी रहा था।